नमस्कार पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली परेशान है धूल भरी आंधियों से। आसमान में आंधी है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और जो प्रदूषण का लेवल है वो इतना बढ़ गया है, हवाओं में धूल इतना बढ़ गया है कि घरों से निकलना और सांस लेना तक मुश्किल ही नहीं, विजिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है दिल्ली में। और साथ ही साथ जब जिस पे पीएम जो है, अभी हम माने कि अगले 3 दिन तक दिल्ली में ऐसे ही धूल भरी आंधी और धूल भरे माहौल का सामना करना पड़ सकता है, जो पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मेटल जिसमें कि वायु की शुद्धता को नापी जाती है, ये अभी अगले 3 दिन तक ऐसे ही खराब रहेगी। यानी 3 दिन दिल्ली वालों को और भी ऐसी ही धूल भरी आंधी और धूल भरे माहौल का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली का माहौल क्या है इस वक्त, इस पे हमारी ये रिपोर्ट देखिए। धूल के गुब्बार से दिल्ली परेशान है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कहीं कहीं प्रदूषण नापने वाली मशीन भी फेल हो गई है। दिल्ली में एयर इंडेक्स 431 दर्ज हुआ है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बेहद खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि अगले 3 दिन तक पीएम यानी पार्टिकुलेट मेटल का स्तर खतरनाक रह सकता है। वहीं NCR में सबसे ज़्यादा प्रदूषित एरिया जो है वो ग्रेटर नोएडा को माना गया है। यहाँ पे एयर इंडेक्स 500 जबकि गुड़गांव में 485, नोएडा में 390, गाज़ियाबाद में 384 और फरीदाबाद में 317 एयर इंडेक्स दर्ज किया गया। फिलहाल 17 जून तक दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन कार्यों पर रोक लगा दिया गया है। नगर निगम और PWD की सड़कों की सफाई मैकेनिकल मशीन से किया जाएगा। मुख्य सड़कों पर झाड़ू नहीं लगाई जाएगी। सेंट्रल वार्ड और सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया जाएगा। नोएडा और गाज़ियाबाद में भी ऐसे ही उपाय का ऐलान किया गया है। दिन भर की ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हम आपको यूट्यूब और फेसबुक के जरिए पहुंचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।